दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत के कई दिनों से राजनीति में कदम रखने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आज उन्होंने सस्पेंस खत्म कर दिया। साल के आखिरी दिन रजनीकांत ने भी अभिनेता से राजनेता बनने की घोषणा कर दी। रजनीकांत ने पॉलिटिकल पार्टी बनाने के साथ ही अपनी राजनीतिक पारी की समय सीमा भी तय कर ली है। उन्होंने कहा कि अगर उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो 3 साल में राजनीति से संन्यास तय है। रजनीकांत ने आज नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि मैं राजनीति में आ रहा हूं, सियासत में कदम रखना वक्त की जरूरत बन गया है। पिछले कुछ सालों से राजनीति की दशा काफी खराब हो गई है, सारे राज्य हमारा मजाक बना रहे हैं। अगर मैं राजनीति में नहीं आता हूं तो यह लोगों के साथ धोखा होगा। रजनीकांत ने कहा कि मेरी पार्टी के 3 मंत्र होंगे, सच्चाई, मेहनत और विकास। इसके साथ उन्होंने चुनाव लड़ने का भी शंखनाद कर दिया है। रजनीकांत ने कहा है कि मेरी पार्टी तमिलनाडु के आगामी विधानसभा चुनावों में सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेगी। हालांकि उन्होंने अपनी नई पार्टी का नाम नहीं बताया, लेकिन ये नारा जरूर दिया है कि अच्छा करो, अच्छा बोलो और केवल अच्छा होगा। आपको बता दें कि रजनीकांत के साथी कलाकार कमल हासन ने कहा था कि अगर रजनीकांत राजनीति में आते हैं तो वह उनके साथ मिलकर काम करना पसंद करेंगे। इसलिए अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में कमल हासन भी रजनीकांत के साथ खड़े दिखाई दे सकते हैं। तो अब यह देखना होगा कि नए साल में ये दोनों अभिनेता सियासत में क्या धमाल करते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।